जय हिंद ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है यस लिखना है सर एक बार कंफर्म कर दीजिए यस साउंड क्लियर जा रही है तो यस लिखना है यस क्लियर जा रही है साउंड यस या नो साउंड जा रही है ये हम लोग आज दूसरा सेट चलेंगे और दूसरा सेट का पहला सवाल है इस सवाल को आराम से आप लोग सबसे पहले सोल्व करिए आप लोग सबसे पहले सोल्व करिए सोल्व किया जाए सर एस बिल्कुल सोन मक्खन की तरीका से जा रहा जीरो पॉइंट वन टू सिक्स थ्री सिक्स पर रेकरिंग है रेकरिंग का मतलब रिपीटिशन ए रिपीटिशन हो रहा है सर रिपीटिशन रेकरिंग का मतलब रिपीटिशन थोड़ा सा बात को समझिए कभी भी रेकरिंग का अगर सवाल आ जाए जैसे जीरो पॉइंट टू थ्री पर रेकरिंग तो संख्या हटाएंगे ना रेकरिंग जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है उतना नौ हो जाता है लेकिन सभी पर रेकरिंग नहीं होता है इसी को हम लोग कहते हैं रेकरिंग हिंदी में कहा जाता है बार जितनी संख्या पर रेकरिंग होगा उतना ही हम लोग क्या करेंगे कहिएगा कि उतना ही नौ देंगे सर लेकिन सभी संख्या पर रेकरिंग नहीं रहता है कभी कभार चार सात और तीन चार सात तीन एक संख्या पर रेकरिंग है तो आप क्या करिएगा कि जो सभी संख्या है उसे लिख दिए चार सौ तिहत्तर लिख दिए एक संख्या पर रेकरिंग है एक बार नौ दे दीजिए जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना जीरो देंगे और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसी को घटा देंगे तो जो सभी संख्या पर रेकरिंग है सभी डिजिट पर तो आसान हो जाएगा यदि सभी डिजिट पर रेकरिंग है तो आसान हो जाता है लेकिन सभी डिजिट पर रेकरिंग नहीं रहता है तो जितने डिजिट पर एक रिंग है उतना नौ और दशमलव के बाद जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उतना जीरो देंगे और जो डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उसे हम घटा देंगे सिमिलर वही ये सवाल है आपको जीरो पॉइंट वन टू सिक्स थ्री सिक्स पर रेकरिंग रेकरिंग का मतलब रिपीटिशन अनंत बार रिपीट होता चलता है जो ना कभी समाप्त हो और जो नहीं कभी अंत हो वही क्या हो मतलब टर्मिनेटिंग किसी नंबर के बाद क्या हो जाता है आप कहेगा कि किसी नंबर के बाद रिपीटन होगा भाग भाग देते चलिएगा चलेगा ये टर्मिनेटिंग होगा नहीं रिपीटिंग है बट नोट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और बट नोट टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाला नौ से हम लोग इसे करेंगे कितने डिजिट पर रेकरिंग है दो डिजिट पर सबसे पहले नंबर लिख दीजिए सर एक दो छ तीन छ लिख दिए दो डिजिट पर एक है दो बार नौ दिए ये तीन डिजिट पर एक नहीं है तीन बार जीरो कर दीजिए जिस डिजिट पर एक नहीं है उसे घटा दीजिए वन टू सिक्स जैसे वो वन टू सिक्स गया तो जीरो हो गया और यहां आ गया एक एक हो गया यहां आया आपको तीन में से दो गया एक यहां आया पांच यहां आया एक दो बारह हजार पांच सौ दस अब यहां हो गया नौ सौ निन्यानवे सौ नौ सौ नहीं सर निन्यानवे सौ काटिए तो एक जीरो से एक जीरो समाप्त हो गया तीन जीरो था ना तीन जीरो था तीन जीरो था तो एक जीरो से एक जीरो हमें समाप्त कर दिए हम लोग अब नौ से कट गया ग्यारह सौ बार में यहाँ नौ से हम लोग काटे तो सबसे पहले एक बार में कटा फिर तीन बार में कटा फिर आपको कट गया नौ नौ से कितना बार में नौ से सबसे पहले नौ से एक बार में तीन बार में आठ ए नौ बार में कट गया तो आप कहिएगा एक सौ उनचालीस बट्टे सौ एक सौ उनचालीस सौ किस ऑप्शन में है एक सौ उनचालीस इज सौ ऑप्शन कैसे सब लोग हैं आंसर कर रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे सर आप सभी लोगों का टीचर्स डे का बहुत बहुत सारा बधाई सर बहुत बधाई हो और आप सभी लोग खूब मेहनत करें अगला टीचर्स डे में आप सभी लोग बेरोजगार नहीं रोजगार में हो जाए ये जो टीचर्स डे है वो लास्ट आपको बेरोजगारी का लास्ट टीचर्स डे हो अगला में सभी लोग रोजगार में हो मेहनत करके रोजगार में रहना है और कोपचे में आकर के मिलना भी है सभी लोगों को आकर के मिलना है कोपचे में सर आगे बढ़ जाए अगला नंबर सवाल दो नंबर सवाल का आंसर करिए एल जेवरा का सवाल है थोड़ा सा दिमाग लगाना है अच्छा सवाल है अच्छा सवाल है सर ये सवाल को थोड़ा सा बनाने का प्रयास करिए ए बटा बी प्लस बी बटा सी प्लस सी बटे ए बराबर जीरो है ए सी बटे बी स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए सी माइनस सी क्यू बटे ए क्यू का मान किसके बराबर है आपको मान दे रखा है मान निकालना है थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है सर थोड़ा सा बनेगा डी आया सर डी आ रहा जीरो जान रहे है, आप लोग मारिएगा एक और जीरो खोज करके मारते रहते हैं या तो एक होगा या तो दो जीरो होगा तब या तो ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर डी है ना तुके वाले आप लोग हैं ये सब में दिमाग लगाने में कमी नहीं करते हैं आप लोग तो खूब दिमाग लगाते हैं इस सब में तुकेबाजी कोई तुक्केबाजी नहीं हम लोग को यहां ए सी बटे बी स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए सी मतलब बी को हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना कि हमें रिजल्ट किसका निकालना है ए सी बटे बटे मतलब हमें इस डाटा को बोथ साइड करने करना पड़ेगा वर्ग करना पड़ेगा दोनों और क्या करना पड़ेगा सर जी वर्ग माइनस का दो भी आ रहा है अब अलग अलग सबका आंसर आना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले हम लोग इसे लिख दिए क्या हम लोग इसे क्या लिखे कि ए बटा बी है सर तो ते बटा बी रहने दिए प्लस का बी बटे सी है बी बटे सी रहने दिए और बराबर में इसे लिख दिए माइनस सी बटे का ए क्योंकि बी को हमें स्क्वायर मिलाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए दोनों और स्क्वायर करने पर जैसी स्क्वायर किए तभी हो गया ए स्क्वायर सर प्लस हो गया B C का टू ए बी दो गुना एक बटे बी गुना का बी बटे सी और बराबर का सी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर हो गया कहीं कटने वाला है कहिएगा यस सर कटने वाला है बी से बी काट दिए यहां हम लोग लिखे ए स्क्वायर बटे का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बटे का सी स्क्वायर और प्लस का ही हो गया टू ए सी टू ए बटे सी हो गया टू गुना ए सी लिख देते हैं दो गुना ए बटे सी ए बटे सी और बराबर में है सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर सर आप बताइए कि ये सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर नहीं है यहाँ हम लोग का मान सी क्यू बटे ए क्यू का मान निकालना है क्या सी क्यू और ए क्यू कर सकते हैं कहिएगा एस सर दोनों ओर आप गुना कर दीजिए पूरे समीकरण में गुना कर दीजिए सी बटे ए से सी बट्टा ए से यहाँ गुना किए तभी ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर रह गया और सी बटे ए से गुना कर दिए प्लस यहाँ बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर रहा और इसमें भी सी बटे ए से गुना किए प्लस यहाँ दो गुना ए बटे सी है और इसमें भी सी बटे ए से गुना कर दिए बराबर यहाँ गुना कर दिए तब हो गया सी क्यू और ए क्यू ए क्यू यहाँ कट गया सी से सी ए से ए कटा है कहिएगा या सर ए से कट गया यहाँ ए बार में और यहाँ कट गया सी से सी से सी स्क्वायर सी बार में ऊपर आ गया ए सी बटे बी स्क्वायर आ गया यही मान आया और यहां हो गया बी स्क्वायर बट्टे ए सी यही मान आया बी स्क्वायर बट्टे ए सी ए सी और यहाँ बर प्लस का आ गया दो और बराबर का हो गया सी क्यू बटे ए क्यू सर ये सी क्यू बटे ए क्यू को यहाँ लेके चलाइएगा तब ए सी बटे ए स्क्वायर प्लस का हो गया बी स्क्वायर बटे ए सी और माइनस का आ गया सी क्यू बटे ए क्यू और बराबर वाले दो चला गया था माइनस का दो और इसी का मान हमें निकालना था ऑप्शन नंबर सी अच्छा सवाल था थोड़ा सा दिमाग लगा करके बनाना था ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था हल्का थोड़ा सा दिमाग लगा दिए हम लोग को आराम से आंसर आ गया अगला नंबर सवाल का आंसर करिए दो नंबर का दो संख्या का योगफल एक सौ उन्नीस है तथा इनका महत्तम समावर्तक सत्रह है लघुत्तम समावर्तक एक सौ सत्तर है दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योग सम ऑफ इनवर्स निकालना है व्युत्क्रमों का योग थोड़ा सा दिमाग लगाना ज्यादा नहीं हल्का दिमाग लगाइए आंसर करिए ऑप्शन नंबर डी आ रहा है डी डी आ रहा है ऑप्शन अब बात को समझिए माने कि पहला संख्या है ए सर और दूसरा संख्या बी है और दोनों का योग दे रखा है एक सौ उन्नीस ए प्लस बी का मान एक सौ उन्नीस और एच सी एफ दे रखा है आपको सत्रह सत्रह एल सी एम दे रखा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल एक सौ सत्तर आप ये भी जानते हैं कि फर्स्ट संख्या गुना सेकंड फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर एल सी एम गुना एच सी एफ होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर एल सी एम गुना एच सी एफ कहिएगा बिल्कुल क्लियर है सर फर्स्ट नंबर ए है सेकंड नंबर बी है एल दे रखा है कितना 170 सौ सत्तर एच सी एफ दे रखा है 17। और संख्या का व्युतकर्म हमें निकालना है मान लिए संख्या ए है तनका व्यूत्कर्म वन बटे ए संख्या बी है इनका व्युतकर्म वन बटे बी तब ऊपर में गुणनफल और नीचे में ऊपर में योगफल और नीचे में गुणनफल हो गया ऊपर में योगफल नीचे में गुणनफल तो योग कितना दे रखा है एक और योगफल कितना एक सौ उन्नीस गुणनफल कितना है एक सौ सत्तर गुणा सत्रह सत्रह से एक सौ उन्नीस सात बार में तो सात बटे एक सौ सत्तर योगफल बटे गुणनफल कोई भी नंबर का व्युत्क्रम निकालना है और एलसीएम और ए दे रखा है तो योगफल बटे गुणनफल सम बटे प्रोडक्ट सात बटे एक सौ सत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी सात बटा का एक सौ सत्तर एक सौ सत्तर बटे सात नहीं सात बटे एक सौ सत्तर ऑप्शन नंबर सी आया सर कैसे सब लोग हैं कैसे कैसे आंसर करते हैं तीन के बाद चार पर आ जाइए चार नंबर है आपको एज से एज से रिलेटेड सवाल है आंसर करिए तो एज से रिलेटेड सवाल है चार नंबर किया जाए आंसर सर, सर यूपी सुपर टेट का बैच कब आएगा सर हमें बैच लेना है सर सर आएगा सब समय से सब बैच आता रहेगा लेकिन इस बैच को अभी आप लोग कंटिन्यू रखिए कंटिन्यू रखना है आप लोगों को और जो अब चलेगा लाइव हम लोग का रेलवे का एक स्पेशल है और रेलवे एग्जाम रेलवे एग्जाम खान ग्लोबल स्टडीज खान ग्लोबल स्टडीज इसका आप लोग का ज्वाइन करना है इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डला देंगे आप लोग उस लिंक को ज्वाइन कर जाइएगा इस पर लाइव चलेगा आप सर, इस पर रेलवे एग्जाम स्पेशल रेलवे का है तो रेलवे पर हम लोग स्पेशल चलेंगे तो सभी लोग खो सकता है कल ही से इस पर चलेगा तो इंतजार नहीं करना है इस पर इसी नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है और यही अपना एक यूट्यूब चैनल नया है इसको ही आप लोग को सब्सक्राइब कर देना है और इसी से आप लोग को क्या करना है लाइव इसी चैनल पर आना है तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर जाइएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा इस सवाल का आंसर करिए रहा है कि जब मां की आयु तैतालीस वर्ष थी मां और पुत्र की आयु में इक्कीस वर्ष का अंतर था मां माता जी का जब आयु जहां मां आया तो समझना है हम लोग को माता जी लगाएंगे तो ये माता जी का जो आयु है वो तैतालीस वर्ष फोर्टी थ्री ईयर्स फोर्टी थ्री ईयर्स तो माता और पुत्र के आयु में अंतर 21 वर्ष मतलब पुत्र माता जी से 21 वर्ष छोटा है माता जी अगर 43 वर्ष के हैं और माता जी और पुत्र जी के आयु में डिफरेंस ट्वेंटी है है? माता जी से 21 वर्ष छोटा 43 में से 21 चला गया तब पुत्र का आयु है कितना कहेगा 22 वर्ष 22 वर्ष अब कह रहा है कि माँ से यदि अंतर यदि पिता माँ से तीन वर्ष बड़े हैं पिताजी माता जी से तीन वर्ष बड़े हैं सर तब पिताजी माता जी अगर तैतालीस वर्ष के हैं तब पिताजी तीन वर्ष बड़े हो गए पिताजी छियालीस वर्ष के हो गए पिताजी माता जी से तीन वर्ष बड़े हैं माता जी फोर्टी इयर्स का और पिताजी तीन वर्ष और बड़े हैं तीन वर्ष ऐड कर दिए तो कितना हो गया छियालीस वर्ष अब आपको निकालना है कि जब पिताजी 50 वर्ष के हो जाएंगे 46 से पिताजी 50 वर्ष तक चले गए कितना वर्ष बढ़ गए चार वर्ष के बाद तब पुत्र जी भी चार वर्ष बढ़ जाएंगे कितना वर्ष के हो जाएंगे 26 वर्ष के जब पिताजी के चार वर्ष के बाद एज लिए तो इनका पुत्र का भी चार वर्ष के बाद एज लेंगे 26 वर्ष अब हमें पिता और पुत्र के आयु में अंतर निकालना है तो चार वर्ष के बाद पिताजी पचास वर्ष के, चार वर्ष के बाद पुत्र जी 26 वर्ष के 50 और 26 का अंतर कितना है 24 पिताजी और पुत्र जी के अंतर है कितना आयु में 24 वर्ष ऑप्शन नंबर डी बेहतरीन बेहतरीन जवाब रहा इसी तरीके से आप लोग आंसर करते रहिए चार के बाद पांच नंबर सवाल का आंसर करिए ये पांच नंबर सवाल का आंसर क्या होगा पांच नंबर सवाल का आंसर करिए तो sec थीटा tan थीटा 2 है तब साइन थीटा का मान निकालना है सबसे पहले बात को समझना है यहां दो रिजल्ट होता है और दोनों रिजल्ट को याद रखिए पहला जो आपका रिजल्ट है कहीं भी आपको दिया रहेगा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, थीटा, थीटा बराबर एक्स तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर होगा ओबन बटे एक्स प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे नंबर संख्या भी उत्कर्म हो जाएगा और यदि माइनस रहेगा जाएगा प्लस कर देंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा साइन जैसा ही चेंज करेंगे मान उल्टा हो जाएगा प्लस से माइनस में आएंगे संख्या व्युत्क्रम मान उल्टा या माइनस से प्लस में आएंगे तब व्युत्क्रम हो जाएगा पहले प्लस था माइनस में आए व्युत्क्रम हो गया माइनस से प्लस में आएंगे तो भी व्युत्क्रम हो जाएगा दूसरा दूसरा जो आपको है कौशिक थीटा के साथ है थीटा प्लस थीटा कहीं भी मान यदि दिया है तो आप कहिएगा कि सर थीटा थीटा बराबर है प्लस है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस है तो प्लस में भी उत्कर्म हो जाएगा यही दोनों में होगा क्यों क्योंकि मान एक होगा और कौश एक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का भी मान एक होता है माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म

थीटा और ये हो गया दो प्लस एक बटे दो जोड़ दिए तब ये हो गया पांच बटे दो अब ये दो यहां भाग हो गया तो आप इसे कहिएगा सेक थीटा बराबर पांच बटे चार और सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे कर्ण बटे क्या हो गया सर आधार कर्ण बटे आधार से थीटा बराबर कर्ण बटे आधार अब एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से आप डरा करिए ये 90 डिग्री है ये थीटा है थीटा के सामने वाले लंब होगा कर्ण दे रखा है पांच तो आधार है चार अब लंब क्या हो गया ट्रिपलेट से तीन चार पांच साइन थीटा का मान होता है पी बाई एच मतलब लंब बटे कर्ण लंब है कितना तीन न कितना हो गया पांच तीन बट्टे पांच आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर आया फर्स्ट आया अगले नंबर सवाल का आंसर करिए सर पांच के बाद छह नंबर पर आ जाइए किसी धन का 20 प्रतिशत वार्षिक दर से तीन वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 है तब मूलधन ज्ञात करना है अच्छा सवाल इस टाइप का सवाल आप लोग को आता रहता है और दो पॉइंट आप लोग को यहां से याद रखना कितना पॉइंट याद रखना है सर दो पॉइंट दो पॉइंट याद रखना पहला दो वर्ष के सीआई और एसआई SI का अंतर कहीं भी दो वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछेगा दो वर्ष के सीआई और एसआई SI का अंतर तो आप कहिएगा पी आर स्क्वायर बटे हंड्रेड के स्क्वायर एक तो पहला होगा दूसरा आपको पूछता है तीन वर्ष के सीआई और एसआई SI का अंतर तीन वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर तो तीन वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर होता है पी आर स्क्वायर इंटू का तीन सौ प्लस आर और बटे का हैंड्रेड का क्यूब हैंड्रेड का क्यू ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर और बार बार यहां से सवाल आता है यहां स्टार लगाइए और इसे छाप लीजिए कॉपी में कॉपी में आराम से छाप लेना है दो वर्ष के सी और एस SI का अंतर और तीन वर्षों के सी और एस SI का अंतर दो वर्ष के सी आई एस का अंतर पी प्रिंसिपल है मूलधन आर रेट दर है और एस हैंड्रेड का मतलब समझ रहे नहीं सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज एस आई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज यहां भी सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट ए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पी आर स्क्वायर आर रेट दर हो गया 300 सौ प्लस आर हंड्रेड का क्यू ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि या तो आपको दो वर्ष के सी आई एस आई का अंतर से सवाल पूछ देता है या तीन वर्ष के एस आई सी आई के अंतर से सवाल पूछ देता है तो ये दोनों का दोनों आप लोग का कंठस नहीं सभी का सभी ओठस याद रहना ये तो याद है सर उठस वाह ओठस याद रखना ही है यहां अंतर अड़तालीस दिया रेट हमें दे रखा है मूलधन निकालना है लगा दिए फॉर्मूला लगा दिए फॉर्मूला सर सी आई माइनस एस आई बराबर पी आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर इंटू का तीन सौ प्लस आर और बटे का हंड्रेड का क्यूब लगा दिए सी आई और एस आई का अंतर कितना है कहिएगा अड़तालीस एसा पी का मान हमें पता नहीं है आर का मान बीस है बीस का स्क्वायर चार सौ हो गया चार सौ गुना और इसमें बीस ऐड कर दिए तब हो गया तीन सौ बीस तीन सौ बीस हंड्रेड का क्यूब हो गया सौ गुना सौ गुना सौ ये तीन जीरो से तीन जीरो सबसे पहले काट देते हैं तीन जीरो से तीन जीरो समाप्त हो गया कहिए बिल्कुल क्लियर हो गया और यहाँ कट गया आपको सोलह से दो बार में सोलह से तीन बार में कट गया कट गया बेहतरीन कट गया और ये चार से कट गया पच्चीस बार में और यहाँ दो से कट गया पाँच बार में पाँच बार में प्रिंसिपल हम लोग निकालेंगे पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस और यहाँ तीन से गुना कर दिए तीन सौ पचहत्तर इनका जो प्रिंसिपल है तीन सौ पचहत्तर रुपया है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर प्रिंसिपल मूलधन तीन सौ पचहत्तर सभी लोगों का सही जवाब रहा अगला नंबर छ के बाद सात पर आंसर करिए सात नंबर सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल है अच्छा सवाल है इस तरीके के सवाल पूछा जाता है पेपर में आंसर करिए ना सर इसे आंसर किया जाए किसी वस्तु को सात सौ बीस रुपया में बेचने पर कुछ लाभ होता है तथा उसे वस्तु को चार सौ बीस रुपया में बेचने पर कुछ नुकसान होता है पहले लाभ हुआ दूसरा में नुकसान हुआ लेकिन लाभ की राशि हानि से दुगनी है तब वस्तु का मूल्य ज्ञात करना प्रॉफिट लॉस जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे उस समय इस तरीके के सवाल को कहे थे सर कि लाभ दुगनी हो तीन गुनी हो परसेंटेज में दिया हो इससे हम लोग का मतलब नहीं है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला डाटा क्या दे रखा पहला डाटा विक्रय मूल 720 रुपया है कुछ लाभ हुआ पता नहीं कितना लाभ हुआ दूसरा में बेचे 420 रुपया ये 420 इसका भी विक्रय मूल्य एसपी2 है कितना हानि हुआ ये पता नहीं है लेकिन जो लाभ हुआ है हानि से दुगना है अगर हानि 1 रुपया है सर तो लाभ इसका दुगना कितना हो गया 2x यहाँ दिया हुआ है हानि से दुगुनी लाभ है लाभ की राशि हानि से दुगुनी है यहां तक कोई दिक्कत अगर दिक्कत है नहीं है तो यस लिखना है दिक्कत है तो नो लिखना है एस कोई दिक्कत इसमें क्या दिक्कत होगा सर सर सेट एक नहीं मिल रहा है सर मिल जाएगा लाइव सेशन में जाइएगा प्रीवियस वाले वीडियो में सेट वन भी मिल जाएगा सर आप स्मार्ट लग देखिए स्मार्टनेस देखता है ऐसे ऐसे लोग हैं कि स्मार्टनेस देख करके पढ़ता है इन लोग मतलब जो स्मार्ट नहीं रहेगा टीचर वो स्मार्टनेस देख करके पढ़ेगा नहीं स्मार्ट रहेंगे नहीं पढ़ेगा स्मार्टनेस यहां देखने आता है आराम से किसी तरीका से पढ़ लो पढ़ने के बाद जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आएगा उस दिन अस्मार्ट स्मार्ट इतना आप लोग लगिएगा स्मार्ट अस्मार्ट इतना लगिएगा कि उस समय आपका जितना फाउंडेशन रहेगा फाउंडेशन का मतलब समझ ही रहे हैं जितना आप क्रीम पाउडर लगाइएगा उस समय सब चमक समाप्त हो जाएगा वो गजब का चमक गजब का तेज चेहरा पर आएगा सर तो मेहनत करिए सिलेक्शन लीजिए गजब का चेहरा पर चमक आएगा लगेगा वास्तव में हीरा चमक रहा है। और आप लोग हीरा हैं लेकिन हीरा जैसा काम नहीं कर रहे हैं 720 में 2x लाभ और एक 420 में x लाभ आपको बताए हैं कि समान कंडीशन रहेगा तो घट जाता है घटाएंगे तो अपोजिट कंडीशन रहता है तो जुट जाता है समान कंडीशन में घटता है अपोजिट कंडीशन में जुटता है सर अगर दोनों प्लस है तो घट तो तो दो जाएगा दोनों माइनस है घट तो जा जाएगा एक प्लस तो जा एक माइनस है जुट जाएगा एक माइनस एक प्लस है जुट जाएगा समान कंडीशन में घटाना है अपोजिट कंडीशन में जोड़ना है कभी भी दो संख्या को हमें घटाने की आवश्यकता होगा सेम कंडीशन रहेगा घट जाएगा अपोजिट कंडीशन में जुट जाएगा मतलब दोनों लाभ घटेगा दोनों हानि घट जाएगा एक लाभ एक हानि जुट जाएगा जुट जाएगा यहाँ जोड़िए सात सौ और 420 तब यहाँ अंतर किए 720 420 बीस चार सौ का विक्रयमुल में अंतर तीन सौ रुपया का और लाभ और हानि दोनों में अंतर थ्री एक्स थ्री एक्स बराबर तीन तब एक्स बराबर सौ रुपया आ गया सर सौ रुपया एक्स बराबर आ गया मतलब हानि कितना रुपया का हो गया है कहिएगा सौ रुपया का हानि है हानि हो गया सौ का हानि कितना रुपया का सौ सौ रुपया का हानि है सर हमें विक्रयमूल क्रयमूल निकालना है वस्तु का क्रयमूल निकालना है अगर हमें क्रयमूल निकालना है हानि है तब हानि रहेगा तब एसपी में हम लोग जोड़ देंगे एसपी कितना है चार में बेचते हैं सौ का हानि हो गया चार में बेचे हैं सौ रुपया का हानि हो गया मतलब क्रैमुल कितना रुपया का है क्रैमुल है पांच रुपया पांच रुपया ऑप्शन नंबर सी दूसरा बात को समझिए बहुत सारे लोग ऐसे अपना पिकुलियर है कहेगा कि सर अगर हम ऊपर से निकालेंगे तो एक्स बराबर दो सौ टू एक्स बराबर सौ है तो टू एक्स बराबर दो सौ आ गया टू एक्स बराबर दो सौ दो सौ रुपया का क्या हो गया है सर लाभ दो सौ का प्रॉफिट अगर आप प्रॉफिट से सीपी निकालना चाहते हैं सीपी प्रॉफिट से निकालिएगा तो एसपी में से प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा सीपी बराबर एसपी सात सौ बीस में बेचे दो सौ का मुनाफा कमाए तो खरीदे थे कितना में 520 सौ बीस में या तो आप लाभ से चलिए या तो हानि से चलिए आंसर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है ही नहीं आंसर अभी भी ऑप्शन नंबर सी हुआ सात के बाद आठ नंबर आठ नंबर सवाल का आप आंसर करिए और आंसर करके बताइए थोड़ा सा बात को समझना है हल्का इसे हिंदी में गड़बड़ है सर हिंदी में गड़बड़ है ये है सर जी माध है। माध है भैया क्या है माध माध है और ये है माधिका माधिका कह रहा है कि यदि माध और माधिका क्रमशः चार और पांच है तब ज्ञात करना है यह स्टैटिक्स रेलवे के फेवरेट चैप्टर है सर। रेलवे के लिए चैप्टर फेवरेट है एक बार आप लोग कमेंट में लिखिए कि मीन मीडियन और मोड के बीच रिलेशन एक फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि फॉर्मूला आप लोग का याद है कि नहीं फॉर्मूला याद है कि नहीं सौ मान हां सर सौ भी मानेंगे लेकिन सौ वहां मानेंगे जहां परसेंटेज वैल्यू दिया हो परसेंटेज वैल्यू नहीं दिया हो तो सौ मानने की आवश्यकता नहीं है डायरेक्ट हम लोग आंसर करेंगे सात आया नहीं पता है सर कोई बात नहीं, नहीं पता है तो हम लोग यहां लिखेंगे बहुलक बहुलक का जो फॉर्मूला मोड बहुलक बराबर तीन गुना माधिका बहुलक बराबर तीन गुना माधिका और माइनस का दो गुना माध होता है तीन गुना माधिका माइनस दो गुना माध बहुलक जो इंग्लिश में है सीबीएसई वाले हैं वो घबराने की उनका भी आवश्यकता नहीं है मोड बराबर थ्री गुना मेडियन थ्री मेडियन थ्री मेडियन और माइनस टू मीन थ्री मेडियन माइनस टू मीन बराबर तीन गुना माधिका माइनस दो गुना माध बहुत सारे लोग इसमें ही कंफ्यूजन होते हैं कि तीन से गुना माधिका में करें कि तीन से गुना माध में करें बात को समझिए माधिका में अधिक लेटर है अधिक अक्षरों का उपयोग किया गया है तो अधिक जहां अक्षर का उपयोग हुआ है उसमें बड़े वाले नंबर से जहां ज्यादा लेटर उपयोग हुआ है वहां अधिक वाले नंबर से कम लेटर उपयोग हुआ है उसमें कम वाले नंबर से कम वाले नंबर से तब यहां माधिका में ज्यादा लेटर है तीन से गुना करेंगे माध में कम लेटर है दो से कंफ्यूज कर जाते हैं कि माध में कितना से गुना करें माधिका में कितना से गुना करें माधिका में लेटर अधिक है तब बड़ी संख्या तीन से और माध में लेटर कम है तो दो से हमें मान निकालना है बहुलक तब बहुलक मोड हम लोग निकाल देंगे सर मोड निकाल देंगे थ्री गुना मेडियन माधिका कितना है पांच है तीन गुना पांच माइनस दो गुना माध दो गुना चार आ गया पंद्रह में से चला गया आठ कितना हो गया सात माधिका हो गया सात ऑप्शन नंबर बी ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे आपका सवाल रहता है सर कभी कभी फॉर्मूला उल्टा सीधा पूछ देता है या आपका दो मान देकर कोई तीसरा मान निकालने के लिए कहा जाएगा अगला आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर चार एक बार फिर से बता दीजिएगा सर कहां चला गया चार सर ये तो और महापिकुलियर है चार नंबर कहा कि जब माँ की आयु तैतालीस वर्ष थी तब मां और पुत्र की आयु में इक्कीस वर्ष का अंतर था तो जब माँ तैतालीस वर्ष की तब पुत्र इक्कीस वर्ष छोटा होगा माता इक्कीस वर्ष बड़े तब तैतालीस में से इक्कीस चला गया तब आप कहेगा पुत्र बाईस वर्ष का अब कह रहा है कि पिताजी माताजी से तीन वर्ष बड़े हैं जब माताजी जी तैतालीस तब ता पिताजी तैतालीस में तीन जोड़ दिए तैतालीस में तीन जोड़ दिए तब हो गया पिताजी छियालीस वर्ष का अब कह रहा कि जब पिताजी पचास वर्ष के हो जाएंगे छियालीस से पचास चार वर्ष बढ़ गए जब पिताजी के चार वर्ष के बाद का एज लेंगे तब पुत्र जी के भी चार वर्ष के बाद का एज लेंगे तब बाईस में चार जोड़ देंगे छब्बीस तब जब पिताजी पचास वर्ष के होंगे उस समय इनके पुत्र जी छब्बीस वर्ष के होंगे और दोनों में अंतर पूछा है चौबीस हो गया चौबीस डेली चलेगा सर हाँ सर हे सर डेली चलेगा इसमें पूछने का क्या बात है इसका ये तो फेवरेट सर ये देखिए आराम से इस तरीके के सवाल में ये सिमिलरिटी से आधारित है कहीं भी आपको आकृति ऐसे दिखाई दे ऐसे कहीं भी आकृति दिखाई दे इसको यहाँ से आपको मिला दिया हो और इसको यहाँ से इसके शीर्ष से मिला दिया हो और एक छोट किनमासा आ जाए और ये तीनों का तीनों पैरल रेखा हो तीनों का तीनों यदि ये पैरल लाइन है इसका मान दिया x और इसका मान y दे रखा है इसका मान z दे रखा है तो इसका रिलेशन डायरेक्ट होता है कि सर ओ वन बटे जेड बराबर ओ वन बटे एक्स प्लस ओवन बटे बाई कोपचा वाले का जो मान होगा जेड छोट किनवा जो कोपचे में है इसका वन बटा जेड बराबर करिएगा तो वाले का जो मान आएगा जेड बराबर में गुणनफल नीचे में योगफल गुणनफल बटे योगफल गुणनफल बटे योगफल ए बी का मान बीस दे रखा है बीस हो गया और पी क्यू का मान अस्सी दे रखा है ए अस्सी हो गया और आपका मान दे रखा है किसका ये एम और एन है हमें मान बी क्यू का मान सौ दे रखा मान एम एन का निकालना है छोटका सा कोप्चे वाला का मान तब गुणनफल बटे योगफल कर दीजिए ना सर एम एन, एन बराबर ऊपर में गुणनफल ऊपर में गुणनफल और नीचे में योगफल तब ए हो गया आपको गुना कर दिए था सोलह सौ और बटे का सौ एक कट गया कितना हो फाल, फाल योग फाल, योग फाल गया सोलह गुणनफल बटे योगफल गुणनफल बटे का योगफल योगफल किए तब ये हो गया सौ आठ गुना सोलह सौ बटे सौ सोलह आया ऊपर में गुणनफल नीचे में योगफल ऊपर में गुना कर दिए सोलह सौ नीचे में हम लोग योग कर दिए अस्सी और बीस सौ हो गया सोलह सौ में सौ से भाग कर दिए ये पॉइंट में कैसे आ गया तो सब आपस में पैरल है गुणनफल बटे योगफल बी क्यू का मान बी क्यू से तो हम लोग का मतलब ही नहीं है ये दे रखा ए बी बीस सही है पी क्यू बराबर अस्सी अस्सी मीटर है अस्सी मीटर बीस मीटर सौ मीटर तो गुणनफल बटे योगफल ऊपर में गुणनफल नीचे में योगफल आया था सोलह ये पॉइंट नहीं है पॉइंट को इग्नोर करना है ये पॉइंट नहीं है सर ए तो आठ करना पड़ेगा तब पॉइंट आएगा ये बीस और अस्सी है सोलह मीटर कर देना ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वन पॉइंट सिक्स मीटर नहीं ये सोलह मीटर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर करिए दस सम बाहुज में प्रत्येक बाहकुन थोड़ा सा बाहुज के बारे में समझिए बहाबुज छोटा से छोटा बहुभुज कौन सा है तो कहिएगा कि सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज ट्रायंगल ट्रायंगल बहुभुज का डिफिनीशन होता है कि कम से कम तीन सरल रेखा से घिरे हुए आकृति को तीन से अधिक भी होता है तो तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति को बहुभुज करते हैं कहते हैं क्लोज्ड फिगर कौन सा फिगर सर क्लोज्ड फिगर और क्लोज्ड फिगर को पोलिगन कहते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पोलिगन त्रिभुज होता है इसमें थोड़ा सामान को आपको समझना है तीन इस अंत का योग अंत का जो योग होगा अंत कोणों का योग कमेंट बन अंत ऑल इंटीरियर एंगल एन माइनस टू गुना एक सौ अस्सी डिग्री होता है एक सौ अस्सी डिग्री दूसरा बा कोण का योग है? फिक्स होता है सर बाह कोण का योग तब कोणों का योग फिक्स होता है फिक्स होता है बा कोण का योग हमेशा थ्री सिक्सटी डिग्री होता है तीसरा आपको याद रखना है विकर्णों की संख्या नंबर्स ऑफ डायगनल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल थ्री सिक्सटी विकर्णों की संख्या सर अब विकर्णों की संख्या हम लोग निकालेंगे तो एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू ये बाहबुज में तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अंत कोण का योग एन माइनस टू गुना एक सौ अस्सी डिग्री बाह कोणों का योग तीन सौ साठ डिग्री विकर्णों की संख्या एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू अब बात को समझना यह है कि अगर सम बहबूज रेगुलर पॉलीगन है अगर सम बहबुज रेगुलर पॉलीगन है तो यहां से दो मान और बढ़ जाता रेगुलर में है प्रत्येक अंत कोण एन माइनस टू गुना एक सौ अस्सी डिग्री तो होगा ही और इनमें भुजा से भाग कर देंगे और पांचवा एक और रेगुलर इस सब रेगुलर पोलीगोन के लिए चौथा और पांचवा है जो रेगुलर पॉलीगन के लिए है सर रेगुलर पॉलीगन आरपी का मतलब रेगुलर पॉलीगन के लिए ये सिर्फ और सिर्फ साम बाहुज के लिए है रेगुलर पॉलीगन के लिए प्रत्येक बाह कोण भी पूछ सकता है ईच एक्सटीरियर एंगल कि प्रत्येक बाह कोण क्या है सर और प्रत्येक बाह कोण होगा 360 बटे का एन तीन सौ साठ बटे अगर प्रत्येक बाकोन दे रखा है तब भुजा की संख्या हम लोग आसान से निकाल देंगे भुजा बराबर तीन सौ साठ बटे बाहकोण भुजा बराबर तीन सौ साठ बटे बाहकौन होता है तीन सौ साठ बटे बाहकौन तो हम लोग भुजा निकालेंगे तीन सौ साठ में भाग करेंगे बाहकोण नौ से तब भुजा की संख्या आ जाएगा चालीस नंबर्स ऑफ साइड फोर्टी आया कितना आ गया सर फोर्टी तो पूरा आराम से कॉन्सेप्ट बाय सब बात को समझते चलेंगे आंसर आता चलेगा ग्यारह इनकम एक्सपेंडिचर से है ग्यारह नंबर सवाल का आंसर करिए ग्यारह नंबर सवाल आया इंग्लिश में सर सर इंग्लिश में तो बोले ही इंग्लिश में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल एन माइनस टू गुना एक सौ अस्सी डिग्री और माइनस टू गुना बाई एन और ईच एक्सटीरियर एंगल थ्री सिक्सटी बाई एन बहबूज सम बहुभुज को रेगुलर पोलिगोन कहते हैं ए और बी का मासिक आय का अनुपात आठ अनुपात पांच के अनुपात में है जबकि मासिक व्यय पांच अनुपात तीन के अनुपात में आप याद करिए जिस समय हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे तब इससे हम लोग दो कौन से पढ़े थे एक पढ़े थे रामबाण पनासिया और एक ब्रह्म अस्त्र और ब्रह्म अस्त्र सभी स्थान पर नहीं चलाना ब्रह्म अस्त्र का एक कंडीशन होता है लेकिन रामबान जहां मन करे वहां आप लगा दीजिए रामबाण का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इस तरीके के सवाल में लगाएंगे ए अनुपात बी दो व्यक्ति है दो व्यक्ति ए और बी है और ए और बी का आय का इनकम का रेशियो दिया है आठ अनुपात पांच सौ और इनका व्यय का जो रेशियो दिया है खर्च का खर्च का रेशियो दे रखा है पांच अनुपात तीन और इनका बचत जो दे रखा है पहला वाले बचाया है बारह हजार रुपया और दूसरा वाला बचाया है दस हजार रुपया इस तरीके के जितने सवाल आ जाएगा रामबाण का मतलब कभी कहीं भी लगा सकते हैं लेकिन ब्रह्म वहां लगाएंगे कि पहला व्यक्ति बारह हजार बचाया है तो दूसरा व्यक्ति भी बारह हजार बचाना चाहिए जब पहला व्यक्ति दस हजार बचाया है तो दूसरा व्यक्ति भी दस हजार के लिए बचाना है लेकिन जब दोनों बराबर रहेगा तो ब्रह्म लगेगा ब्रह्म का मतलब डिफरेंस को समान करना है यदि रेशियो का डिफरेंस का अंतर अगर समान नहीं है डिफरेंस समान नहीं है तो नीचे वाले अनुपात के अंतर से ऊपर गुना करते हैं और ऊपर वाले अनुपात के अंतर से नीचे गुना करते हैं अभी यहां तो हम लोग डिफरेंस इक्वल नहीं करेंगे क्योंकि पहला का बचत अलग है दूसरा का बचत अलग है तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाइए लगा दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट पहले हम लोग रेशियो में गुना करेंगे सर 8 3 24 5 25 क्रॉस गुना रेशियो में किए आठ में तीन से गुना किए चौबीस हुआ पांच में पांच से गुना किए पच्चीस हुआ चौबीस और पच्चीस का अंतर कितना हो गया एक चौबीस और पच्चीस के अनुपात में अंतर कितना आया है एक आया है अब क्रॉस गुना हम लोग करेंगे रेशियो और संख्या में बारह तिया छत्तीस हजार यहाँ आया छत्तीस हजार और दस में पांच से गुना कर दिए तब यहां पचास हजार आया है सर छत्तीस हजार और पचास हजार का डिफरेंस बताइए कहिएगा चौदह हजार छत्तीस हजार पचास हजार का अंतर चौदह हजार एक बराबर चौदह हजार मान हमें किसका निकालना है मासिक आय में अंतर मासिक आय में अंतर निकाल दिए सर ये आठ और पांच दोनों में अंतर कितना है अनुपात में तीन का दोनों में आय के अनुपात में अंतर तीन का ए आठ रुपया कमाया बी पांच रुपया अंतर कितना हो गया तीन एक बराबर चौदह हजार तो तीन बराबर कितना हो गया बयालीस हजार एक बराबर चौदह हजार तीन बराबर बयालीस हजार दोनों में आय में अंतर बयालीस हजार रुपया ऑप्शन नंबर डी तो यहां रामबान लगाना पनासिया सबका सही चौदह हजार तो आया आपका मान रेशियो का अंतर पूछा बयालीस करना है बयालीस ये हो गया एलजेब्रा में इस तरीके के सवाल बार बार पूछते रहता थोड़ा सा बात को समझना एक हम लोग पढ़े थे जब लेबरा पढ़े थे तो हाई पावर से लो पावर लो पावर से हाई पावर सेम पावर सेम पावर का मतलब बात को समझना यह है कि अगर एक्स प्लस ओ वन एक्स पावर एन कर देते हैं एक्स के पावर एन प्लस ओ वन बटे एक्स के पावर एन का मान ए दे रखा है तो हमें मान निकालना रहेगा एक्स के पावर एन माइनस ओ वन एक्स के पावर एन आप कहिएगा सर ए स्क्वायर माइनस फोर सेम पावर प्लस से सेम पावर माइनस में आएंगे तो स्क्वायर करके चार घटाइए वर्गमूल करिए दूसरा जो यहां कंडीशन है कि या तो प्लस से आपको माइनस में आना हो एक्स के पावर एन माइनस ओवन बटा एक्स के पावर एन का मान ए दिया है तब एक्स के पावर एन प्लस ओवन बटे एक्स के पावर एन तब आप कहेगा कि सर सेम पावर प्लस में गए तब ए स्क्वायर प्लस फोर का वर्गमूल करेंगे माइनस में जाएंगे तब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस में जाएंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस फोर जैसे अगर एक्स प्लस ओवन बटा एक्स का मान चार दे रखा है तब एक्स माइनस ओवन बटा एक्स का मान बताइए सेम पावर प्लस से सेम पावर माइनस में आएंगे तो कितना आंसर आएगा कीजिए आंसर क्विकली सेम पावर प्लस से सेम पावर माइनस में जाएंगे इसका आंसर पहले निकालिए कहिएगा सर प्लस से माइनस में आएंगे स्क्वायर स्क्वायर का मतलब हो गया सोलह और सोलह में से चार चला गया बारह आ गया और बारह का आप कहिएगा टू रूट थ्री टू रूट थ्री बारह का मतलब टू रूट थ्री जैसे बहुत बड़ा सवाल दिया x के पावर 19 माइनस ओवन बटे एक्स के पावर 19 बराबर पांच है पावर उन्नीस प्लस ओवन बटे एक्स के पावर उन्नीस का मान निकालना है बड़ा पावर से सेम पावर प्लस से माइनस में आइए या माइनस से प्लस में ये माइनस से प्लस में आ रहे हैं प्लस में आ रहे हैं तो स्क्वायर करके चार जोड़िए वर्गमूल करिए पच्चीस और चार उन्तीस हो गया इसका रूट उन्तीस हो गया तो सेम पावर प्लस से माइनस में आइए या माइनस से प्लस में आई है तो प्लस से माइनस में आएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर और माइनस से प्लस में आएंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर और ए स्क्वायर प्लस फोर अगला इसी कौन से पर कौनसेप्ट आधारित है कितना नंबर सवाल हम लोग चल रहे थे बारह बारह नंबर सिमिलर इसी पर आधारित है हमें मान निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस ओवन बट एक्स स्क्वायर सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आप कहिएगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक बार योग और एक बार अंतर कही बिल्कुल क्लियर सर एक्स प्लस ओवन बटा एक्स का मान चार दे रखा है अभी हम लोग मान निकाले कि एक्स प्लस ओवन बटा एक्स का मान चार है तो एक्स माइनस ओवन बटा एक्स का मान रूट बारह रूट बारह को दो रूट तीन लिख दिए हैं तो रूट बारह को यहां हम लोग लिखेंगे दो रूट तीन अब गुना कर दिए तब हो गया आठ रूट तीन प्लस माइनस आठ रूट तीन प्लस माइनस लगा दीजिएगा प्लस में भी संभव है माइनस में भी संभव है क्योंकि यहां है ए ए आपको आएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस फोर और प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस फोर इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर कौन सा बी आया ऑप्शन नंबर बी तो बाद में भी छाप सकते हैं या जिनका स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चार कहां से आया सर चार दे रखा है एक्स प्लस ओवन बटे एक्स बराबर चार दे रखा है और एक्स माइनस ओबन बटा एक्स का मान निकाले फॉर्मूला से प्लस से सेम पावर माइनस पर आएंगे तब ए स्क्वायर माइनस फोर कर दिए सोलह में से चार चला गया बारह और बारह का वर्गमूल हो गया टू रूट थ्री बारह का वर्गमूल टू रूट थ्री इसका आंसर किया जाए तेरह नंबर ए त्रिभुज जिनका थोड़ा सा भी त्रिभुज के बारे में राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में जानकारी होगा आराम से आंसर करिएगा ए राइट एंगल ट्रायंगल कमेंट बन सर जो जिस समय समझाया जाए आप लोग समझने का प्रयास करिएगा दोबारा इसमें समझने की आवश्यकता ही नहीं रहेगा कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगा ए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए पर सम कौन है नाइंटी डिग्री ए पर कर दिए ए बी और सी कह रहा है ए बी बराबर सी है ए बी बराबर सी के सामने वाले सी होता है बी के सामने वाले बी होता है ए के सामने वाले ए होता है ए होता है निकालना है टेन बी प्लस टेन सी टेन बी का मतलब एक कोन बी को हम लोग देखेंगे कोन बी का मतलब ये सामने वाला हो गया आपका लंब तब बाकी आधार हो जाएगा तब टेन बी बराबर ए हो गया आपको लंब त आधार हो गया सी आधार हो गया सी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार तब यहाँ हो गया बी बटे सी प्लस टेन सी अब टेन सी का मतलब इसके सामने वाला लंब सी हो गया लंब बटे आधार सी बटे कितना हो गया सर सी बटे बी यहां हम लोग एल्सियम ले लिए तब यहां बी हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया अब पायथागोरस परंब स्क्वायर प्लस लिखिएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वहां ए स्क्वायर लिख दीजिए और बटा में बीसी हो गया ए स्क्वायर बट्टे बी किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ए स्क्वायर बट्टे बी ऑप्शन नंबर डी चौदह नंबर सवाल का आंसर करिए तो ये कोई किस कहीं भी इस तरीके के सवाल दिखाई देगा एरिया में कमी और वृद्धि पूछेगा ए बी फॉर्मूला लागू कर देना ए फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस माइनस ए गुना बी बटे सौ ए बी फॉर्मूला लागू प्लस रहेगा तब वृद्धि और माइनस रहेगा तो कमी कह रहा लंबाई में 20 परसेंट चौड़ाई में 25 परसेंट वृद्धि हुआ तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ तब 20 परसेंट बढ़ाया 20 हो गया 25 परसेंट बढ़ाया 25 हो गया प्लस दोनों है तब बीच में प्लस हो गया यहाँ बीस गुना पच्चीस बटे सौ काट दीजिए पच्चीस से कट गया कितना बार में चार बार में चार से कट गया पांच बार में बीस और पच्चीस पैंतालीस पैंतालीस प्लस पाँच पचास फिफ्टी परसेंट की एरिया में वृद्धि ऑप्शन नंबर बी रेशियो से भी आप बना सकते हैं लेकिन यहां रेशियो लगाने की आवश्यकता ही नहीं है कहीं भी एरिया में कमी और वृद्धि क्षेत्रफल में निकालना हो वहां ए बी फॉर्मूला इज द बेस्ट फार्मूला है और इसी तरीके से आपको बनाना भी है ये सवाल टाइम एंड वर्क का है इस सवाल को आंसर करिए कह रहा है दो आदमी ए और बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य पांच दिन में किया ये अपनी वास्तविक क्षमता का दुगुना कर दिया और बी अपना वास्तविक क्षमता का एक तिहाई किया है तब कार्य तीन दिन में समाप्त हुआ ये अकेले कितने दिनों में करेंगे कमेंट बंद यहाँ दोनों काम को बराबर करिए ए अपना पूरा मान लिए कि ए का पूरा क्षमता ए है बी का पूरा क्षमता बी है तब ए प्लस बी पूरा क्षमता से करता है तो पांच दिन लग जाता है लेकिन ए अपना दुगुना क्षमता से और बी अपना एक तिहाई क्षमता से करेगा तब कितना समय लगता है ये तीन दिन लगता है तीन दिन पहले पांच दिन अब तीन दिन यहां पाँच से गुणा कर दिए तब हो गया फाइवे प्लस का हो गया फाइव बी सर बराबर तीन से गुना कर दिए तभी हो गया सिक्स ए और तीन से तीन कट गया तो बी हो गया सिक्स ए और फाइव ए का अंतर ए हो गया और फाइव बी और बी का अंतर फोर बी हो गया आप जानते हैं कि दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज हो जाता है तब ए काफिशियंट बी B में बी B a में ए का कुछ कॉफिशियंट नहीं है तभी एक हो गया ए हाँ हो गया एफिसियंसी ए और बी के क्षमता का रेशियो अगर पूछता तो हम कहते a चार काम करेगा तो बी तीन एक काम करेगा इफिसियंसी चार और एक हमें ए का मान निकालना है तब टोटल वर्क निकाल टोटल वर्क ए और बी मिलकर के पांच दिनों में ए और बी का क्षमता को जोड़िए चार और एक पांच पांच क्षमता वाले को कितना दिन लग रहा है पांच दिन ये पांच कहां से लाए क्षमता को जोड़े चार और एक पांच क्षमता वाले को पाँच दिन ए का मान निकालना है तब ए के क्षमता कितना है चार चार से भाग कर दीजिए सर पच्चीस बटे चार पूर्णांक में लाएंगे छे पूर्णांक एक बटे चार दिन ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर छ पूर्णांक एक बटे चार दिन कब तक क्लास चलेगा सर कब तक चलेगा बस दस मिनट और चलेगा सोलह नंबर सवाल का आंसर करिए कहीं भी घनाब के तीनों फलकों का क्षेत्रफल दिया रहे लंबाई गुना चौड़ाई एक्स दिया हो चौड़ाई गुना ऊंचाई बाई दिया हो और ऊंचाई गुना लंबाई जेड दिया हो तब इनका आयतन जो होगा वॉल्यूम ये तीनों के तीनों फलकों के क्षेत्रफल का गुणनफल कर देंगे और उसका वर्गमूल कर देंगे तब तीनों फलकों का क्षेत्रफल बारह बीस और पंद्रह दे रखा है तो घन का आयतन निकालेंगे, आयतन निकालेंगे बराबर अंडर रूट के स्थान पर बारह है के स्थान पर बीस है जेड के स्थान पर पंद्रह है गुना कर दीजिए जैसा ही हम लोग गुना किए तब यहां हो गया पंद्रह गुना तीस बारह छत्तीसौ छत्तीसौ का वर्गमूल साठ साठ मीटर क्यू आ गया इनका आयतन छत्तीस सौ नहीं कर देना साठ कर देना साठ साठ ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है सर कुछ ना कुछ एयर में प्रीवियस क्वेश्चन ये सब है सर बेहतरीन सवाल आ गया रेशियो का ये रेशियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इस तरीके के सवाल में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है आप लोगों का वैसा वैसा सवाल यहां लिया गया है जो सवाल है आसान लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या तो आप आंसर तक नहीं पहुंचते हैं समय दिए और बना आंसर तक नहीं पहुंचे तो सब जो क्वेश्चन है वो सब लॉजिकली है कोई मुश्किल नहीं है सब आसान है लेकिन पहला बार देखिएगा ये सब सवाल को तो लगेगा कि नहीं बन पाएगा आगे बढ़ जाएंगे पिछले वर्ष पवन और भावेश के वेतन का अनुपात तीन अनुपात दो था लेकिन जब दोनों के पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष पहले लास्ट ईयर का दिया फिर प्रजेंट ईयर का दिया अनुपात एक अनुपात दो दो तीन अनुपात चार उनके वर्तमान वेतन का अनुपात निकालना है तो यहाँ पवन है और यहाँ भवेश है पवन और भवेश पवन के पहले वाले जो अनुपात है आय का तीन अनुपात दो है सर लेकिन अब लास्ट ईयर और प्रजेंट ईयर पहले वाले लास्ट ईयर लिखेंगे बाद वाले प्रजेंट ईयर इनका रेशियो दे रखा है एक अनुपात दो इस तरीके से सीढ़ी नुमा बना दीजिए यहाँ भावेश का प्रजेंट ईयर लास्ट ईयर लास्ट ईयर का रेशियो तीन है प्रजेंट ईयर का रेशियो चार है पहले वाले लास्ट ईयर है और बाद वाले प्रजेंट ईयर है इस तरीके के जितने सवाल आएंगे यहाँ एक है सर और यहाँ तीन है पहले वाले का एल लीजिएगा पहले वाले लास्ट ईयर लास्ट ईयर ये दोनों परजेंट ईयर है तो परजेंट ईयर को छोड़ दीजिए लास्ट ईयर का एलसीएम से ऊपर में गुना कर दीजिए तो लास्ट ईयर का एलसीएम लेंगे एक से भी कटे तीन से भी कटे एल हो गया तीन ये तीन से ऊपर वाले में गुना कर दिए ऊपर वाले में गुना किए तब हो गया नौ और छ नौ और छः सर एक का मान नौ है ता दो का मान अठारह ना हो जाएगा ये नौ लास्ट ईयर है लास्ट ईयर का अनुपात एक है एक बराबर नौ दो बराबर अठारह यहाँ लास्ट ईयर तीन है यहाँ छः है तीन का मान छः हो गया तीन बराबर छः तो चार बराबर आठ हो गया हमें तो प्रजेंट ईयर का रेशियो निकालना है यहां परजेंट ईयर अठारह यहां परजेंट ईयर आठ त अठारह और आठ का रेशियो निकालिए कट गया नौ अनुपात चार भावेश पवन और भावेश का ये परजेंट ईयर दोनों का रेशियो नौ अनुपात चार ऑप्शन नंबर बी नौ अनुपात चार ऑप्शन नंबर बी फिर से एक बार बात को समझना इस तरीके के सवाल आएगा लास्ट के से लास्ट में गुना कर देना है लेकिन नौ दो बराबर अठारह लास्ट ईयर यहां तीन है लेकिन छ दिया है। तीन बराबर छो चार बराबर आठेंट ईयर का पवन का अठारह रुपया भावेश के प्रजेंट ईयर का आठ आथ रुपया अठारह और आठ का रेशियो नौ अनुपात चार अठारह नंबर सवाल का आंसर करिए ये है आपको थैली वाले सिक्का पैसा वाले है पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन सवाल को पढ़ते हैं आप लोग समझने का प्रयास करिए एक थैली में एक रुपया पचास पैसा पच्चीस पैसा के सिक्कों की संख्या का रेशियो है पच्चीस अनुपात नौ अनुपात पाँच के अनुपात में थैली में कुल रुपया चौबीस है तो थैली में पचास पैसे की सिक्कों की संख्या ऐसे सवाल को एक बार ऑप्शन से छाट कर देखिएगा जैसे पचास पैसे के सिक्के का संख्या अनुपात में नौ है तो अनुपात में नौ से कटना चाहिए आठ 5 तेरह नहीं कटा नौ से सात दो नौ कट गया तीन और छह नौ कट गया सात छह तेरह और एक चौदह नहीं कटा तो दो ऑप्शन हम लोग छाट दिए या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा या तो ऑप्शन बी होगा या तो लास्ट वाले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बताइएगा कौन सा रिपीट करेंगे क्वेश्चन का नंबर सत्रह सोलह थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर बताइएगा उसे हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे तो दो ऑप्शन हम लोग छाट दिए पेपर में अगर ये दो ऑप्शन नहीं छट पाया नहीं छट पाया दो ऑप्शन ये दो ऑप्शन में आप कौन सा आंसर करिएगा बी आया तो अगर समय बचा तो हम लोग सोल्व करेंगे नहीं समय बचा तो जहां फिफ्टी फिफ्टी आप चांस है नेगेटिव कम है तब वहां आप लोग फिफ्टी फिफ्टी में आप आगे बढ़ सकते हैं नेगेटिव ले सकते हैं नेगेटिव ले सकते हैं आप थोड़ा सा बात को समझिए कि दो ऑप्शन तो हम लोग छाट नहीं पाए तो दो ऑप्शन नहीं छाटे तो पूरा हम लोग अब डिटेल से बनाना पड़ेगा एक रुपया वाले हैं सर पचास पैसे वाले रेशियो है और कितना है पच्चीस पैसे वाले रेशियो है तो एक रुपया वाले कितना है अनुपात में पच्चीस सिक्का की संख्या पचास पैसे वाले अनुपात में कितना है नौ और पच्चीस पैसे वाले कितना है पांच तो एक रुपया में कितना पैसा होता है आप कहिएगा एक रुपया में सौ पैसा पचास पैसा में पचास पैसा ही है पच्चीस पैसा पच्चीस पैसा ही है तो एक रुपया में सौ पैसा और ऐसे ऐसे एक रुपया वाले पच्चीस सिक्का है तो कितना पैसा हो गया पच्चीस सौ पैसा हो गया पच्चीस सौ पैसा और पचास पैसा वाले नौ सिक्का है तो कितना पैसा हो गया चार सौ पचास पैसा हो गया पच्चीस पैसा वाले पाँच सिक्का है कितना पैसा हो गया एक सौ पच्चीस पैसा हो गया सभी को ऐड कर दीजिए ये यहाँ हो गया चार सौ एक पाँच सौ तीस तीन हजार तीन हजार पचहत्तर अनुपात में हो गया तीस पचहत्तर लेकिन टोटल रुपया कितना हमें दे रखा है चौबीस सौ साठ सर आप बताइए कि अनुपात तीस पचहत्तर बराबर चौबीस सौ साठ रुपया है पैसा में लाएंगे तो सौ से गुना कर दिए एक का हम लोग मान निकालेंगे तो चौबीस सौ साठ में सौ से गुना कर दिए पैसा में लाने के लिए तीस सौ पचहत्तर से भाग करेंगे पच्चीस से चार बार में और पच्चीस से कट गया एक सौ तेईस बार में एक सौ तेईस से कट गया बीस बार में तो एक बराबर हो गया अस्सी अनुपात एक का मान अस्सी पचास पैसा वाले नौ में है तो नौ में अस्सी से गुना कर दीजिए सात सौ बीस ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डी वाले आंसर सही किए हैं तो सही है सर एडवांस मैथ सर एप्लीकेशन पर लाइए बहुत जल्द आएगा सर आएगा तो आप लोग कहाँ इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा इंफॉर्मेशन देंगे एडवांस मैथ के लिए ये तो और बेहतरीन सवाल उन्नीस नंबर है थोड़ा सा कमेंट करना बंद करिए उन्नीस नंबर सवाल को आराम से समझिए सर एक टू डी होता है और एक थ्री डी होता है एक होगा टू डी और एक होगा थ्री डी का मतलब किसी भी आकृति को खोलकर मोड़कर किसी दूसरी आकृति बनाते हैं तो परिमाप बराबर होगा कोई भी आकृति को खोलकर मोड़कर किसी दूसरी आकृति बनाई जाती है परिमाप बराबर होते हैं लेकिन कोई भी आकृति को गलाकर पिघलाकर पीटकर खींचकर किसी दूसरी आकृति बनाइएगा आयतन बराबर होगा खोलकर मोड़कर बनाइएगा परिमाप बराबर गलाकर पिघलाकर खींचकर पीटकर बनाइएगा आयतन बराबर होगा तब यहां कह रहा है एक वृताकार तार का ब्यास बयालीस सेंटीमीटर है जिसे मोड़कर एक आयताकार आयत बनाया गया है और आयत का भुजा का अनुपात छ और पांच है रेशियो शामिल कर दिए सिक्स एक्स और फाइव एक्स तब आयत द्वारा निर्मित क्षेत्रफल निकालना है तब अगर ब्यास आप कहिएगा कि ब्यास डायमीटर है सर जी आपको बयालीस रेडियस हो गया 21 मतलब ब्रीत का जो परिमाप है आयत के परिमाप के बराबर होगा ब्रीत वृत्त का परिमाप मैथ का रिकॉर्डेड बैच कब आएगा सर सर अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ का रिकॉर्डेड बैच आएगा आ जाएगा वो भी बहुत जल्द रखा जाएगा प्रस्ताव आएगा क्यों नहीं आएगा आ जाएगा सर तब आयत का परिमाप और वृत्त के परिमाप बराबर होगा आयत का परिमाप टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लंबाई प्लस चौड़ाई टू इंटू तो टू इंटू लंबाई और चौड़ाई ऐड कर दिए तब हो गया ग्यारह एक एक्स बराबर ए इसका वृत्त का परिमाप टू पाई आर दो गुना बाईस बटे सात आर का मान इक्कीस दे रखा है यहाँ से x का हम लोग मान निकालेंगे ग्यारह दुना बाईस से बाईस कट गया ये सात से कट गया तीन बार में x बराबर आ गया छः एक्स बराबर आ गया सर हमें एक्स का मान छत्तीस और यहाँ पांच एक्स बराबर तीस हो गया लंबाई छत्तीस चौड़ाई तीस क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई लंबाई गुना चौड़ाई लंबाई छत्तीस और चौड़ाई तीस गुना कर दिए दस सौ अस्सी दस सौ अस्सी सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी ये सेकंड लास्ट सवाल था अब हम लोग लास्ट सवाल पर आएंगे कौन सा सवाल पर आएंगे भैया मेरे लास्ट सवाल लास्ट सवाल आज आइए लास्ट सवाल अब लास्ट सवाल का आंसर करिए किसी समान ब्यास तथा ऊंचाई का बेलन सर ये भी बेलन है का सवाल है कह रहा है कि इनका जो ऊंचाई है जो ब्यास के बराबर है तो तो अगर रेडियस हम मान लिए इनका ऊंचाई कितना हो गया टू आर और यही सेम सेम रेडियस का एक अस्फेयर गोला लीजिए तो गोला का रेडियस है आर और ए पी बटे क्यू का मान निकालना है पी है बेलन का और क्यूब है आप कहिएगा क्यूब है किसका सर एक गोला का तब बेलन है आपको आयतन पी गोला का आयतन क्यूब है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है कितना टू आर और गोला का आयतन फोर बटे थ्री पाई और आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब से आर क्यूब को काट दीजिए पाई से पाई को काट दीजिए चार से काट दीजिए दो बार में तब पी और क्यूब का अनुपात तीन अनुपात दो आ गया लेकिन हमें पी बटे क्यूब चाहिए पी बटे क्यूब का मतलब तीन बटे दो और तीन बटे दो किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर डी में क्लियर आगे बढ़ जाए आगे बढ़ने का मतलब कल अपने समय पर जुड़िए अगले सेट नंबर तीन के साथ तब तक के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर विशेष कल अपने समय पर